पहली बार देश में ऐसी सत्ता आई है जिसने सबको सम्मान दिया है, चाहे कोई वर्ग हो, धर्म हो, जाति हो, महिला हो, पुरुष हो। आप क्या करते हैं? मैं देशभक्त हूँ। देशभक्त हैं आप? हाँ जी। काम क्या करते हैं? काम मैं करता हूँ देश की सेवा, श्री राम की सेवा। देश की सेवा, श्री राम की सेवा। अगर भगवान की सेवा करोगे, राम की सेवा करोगे, देश के हित में रहोगे तो भगवान अपने आप देगा। लेकिन आपने मेरा व्यवसाय पूछा, एक मैं छोटा सा व्यवसायी हूँ और मैं अपने काम से इस सरकार में बहुत सुखी हूँ, संतुष्ट हूँ। खुश हैं? बहुत खुश है। कोई समस्या नहीं है? क्या है कि समस्या बताओ, किसे समस्या, वो हमसे मिलो। राहुल गांधी को मौका नहीं देंगे क्या इस बार? मौका उनके कर्म ही नहीं है मौका लेने लायक। अच्छा, क्या लग रहा है सर, आपका क्या शुभ नाम है? मेरा नाम गंगाराम है। गंगा जी, क्या लग रहा है माहौल देश का, कौन बनेगा प्रधानमंत्री इस बार? इसमें कोई शकी नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी जी बन रहे हैं। मोदी जी बन रहे हैं जी? पक्का? कौन बन रहा है भाई साहब? मोदी जी। मोदी जी बन रहे हैं। आपका क्या नाम है? मयंक गुप्ता। क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी है। और बाकी मैं अलग से स्टूडेंट्स को। किस चीज का पढ़ाई करते हैं, कौन से स्ट्रीम में हैं आप? बीए हिंदी ऑनर्स में। हिंदी ऑनर्स जी। क्या लग रहा है, मोदी जी 2 साल रहे, आप विद्यार्थी हैं, डीयू में पढ़ाई करते हैं, काम हुआ है कुछ? बिल्कुल हुआ है, अलग अलग जैसे स्कीम निकाल रहे, आयुष का एक निकाला है, और इसके अलावा महिलाओं के लिए जो कार्य किया है, उज्ज्वला योजना निकाली है, अलग अलग गैस सिलेंडर देने का कार्य किया है मोदी जी ने। इसके अलावा राम मंदिर की स्थापना की गई है, पूरे जो एक सनातन धर्म पद्धति थी, प्राचीन टाइम से चली आ रही थी, जिसको दबाया जा रहा था अलग धर्मों द्वारा, उसको दोबारा से सामने लाया गया है जनता के मध्य। इसलिए भाजपा की लहर है पूरे भारत में। पूरे भारत में जी। आपको मोदी पसंद है? जी, मोदी सिर्फ देश को ही नहीं, पूरे विदेशों में भी आप जाएंगे, उनकी लोकप्रियता धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, लोकप्रिय वो बहुते जा रहे हैं, हर एक जनता के जमीनी स्तर पे जुड़ते जा रहे हैं, युवाओं से, महिलाओं से, हर एक पुरुष वर्ग से। विपक्ष कह रहा है भाई साहब कि युवा बेरोजगार हैं, पढ़ा लिखा यूथ सड़क पर रोजगार ढूंढ रहा है, पेपर लीक से युवा परेशान है, महंगाई से आम नागरिक परेशान है, रसोई का बजट हिल गया है। देखिए, पेपर लीक की जो समस्या है आपने देखा होगा, सबसे ज़्यादा राज्य वो है जहाँ पर बीजेपी की सरकार नहीं है। अधिकतम आप देखेंगे जहाँ पर पेपर लीक हो रहा है वहाँ पर सरकारें कांग्रेस की रही हैं या तो दूसरी पार्टियों की रही हैं। उत्तर प्रदेश में भाजपा शासित राज्य है भाई साहब, वहाँ भी पेपर लीक की समस्या हुई। जी, पेपर लीक देखिए, काफ़ी सारे विपक्षी तत्व होते हैं जो पेपर लीक करवाते हैं और दूसरी सरकारों पर आरोप लगाते हैं। कौन प्रधानमंत्री कौन बनेगा? राहुल जी बनेंगे आपके? राहुल जी बनेंगे। राहुल जी को प्रधानमंत्री क्यों बनाना चाह रहे हैं? अरे एक बार उन्हें भी बनना चाहिए ना। बनना चाहिए, एक बार बनना चाहिए, मौका मिलना चाहिए। और क्या काबिलियत है उन्हें? मोदी को नहीं लाओगे? अरे मोदी को तो अब 10 साल लिए गए मोदी जी, अब 5 साल उन्हें भी रख लो ना, वो भी और क्या साल बदल के। राहुल जी की काबिलियत तो बताओ, पुराना है, पुराना नेता, पुराना घर है, खानदान है उनका यार। आप राहुल मोदी जी का कुछ काम काज हुआ है? नहीं, काम सही है मोदी जी जैसा। आप क्या काम करते हैं? आप क्या काम? ऑटो चलाता हूँ मैं तो। ऑटो चलाते हैं? बताइए, महंगाई है? महंगाई तो है, बताओ जो अगर राहुल आ गए तो भी महंगाई होगी, बढ़नी है। पहले 3 रुपए किराया था, अब 10 मीटर किराया है, महंगाई तो बढ़नी, महंगाई में ऊपर मत जाओ।